नमाज की नीयत कैसे करें, जैसे अब बैठे हुए हैं इशा की नमाज की, यही नीयत है। नीयत ना हो तो क्यों बैठते, जबान से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मकाम नीयत या अल-क़ल्ब, असल नीयत वो है जो दिल में है कि हम इशा के लिए बैठे हैं। जब इशा के लिए इमाम खड़ा होगा तो अल्लाह अकबर, जबान से कहने की जरूरत ही नहीं। वो तो इस्तेहज़ार है कि आदमी अपने कारोबार में भागता हुआ आया नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा भी कह जा रहा है इशा था कि ये ना सब्जेक्ट मतलब इशा पढ़ रहा हूँ मगरिब पढ़ रहा हूँ उसको याद आ जाए। वो तो इस्तेहज़ार है एक मसले का कि आदमी का जहन मशगूल है, वो भागता हुआ आया नमाज में मिलने के लिए, उसको पता ही नहीं इशा है या मगरिब है, चलो जबान से कह दो। लेकिन जो नीयत करके बैठे हुए तुम्हें जबान से कहने की क्या ज़रूरत है। और बाकी हमारे इंडो पाक में और जो रिवाज है कि वो जो नियत करते हैं ऐसे खड़े रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज बराए खुदा, सुन्नत बराए मुस्तफ़ा, चेहरा बरूए किबला बवक्त 8:30 बजे और बरोज़ बुध पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, इमाम फातिहा भी पढ़ गए बदवक्त नियत कर रहा, ये तो खालिस बिदअत है। तकबीर तहरीमा से भी महरूम हो गए, ये कौन सी नीयत है भाई।